हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 को कट ऑफ को दोस्तों लेकर के, कि दोस्तों आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है हर एक कैटेगरी का। ठीक है दोस्तों, पोल और सर्वे करने के बाद आपका दोस्तों कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम हर एक कैटेगरी का दोस्तों यहाँ पे आपको कट ऑफ मार्क्स दोस्तों बताने वाले हैं, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी या ईबीसी या दोस्तों ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी या आप पीएच हो या आप फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम हर एक कैटेगरी का दोस्तों कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों अपने वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। और आपका स्कोर दोस्तों कितना बन रहा है दोस्तों यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हम जो जो भी आपको बताएंगे कट ऑफ, जो भी हम दोस्तों आपको बताएंगे एक सेपरेट कट ऑफ बताएंगे, पोल और सर्वे करने के बाद जो हमने आपका एनालिसिस किया है उसके बाद हम आपका दोस्तों ये कट ऑफ दोस्तों आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा कट ऑफ आपको किसी भी हाल में दोस्तों नहीं जाने वाला है। अगर जाएगा भी तो दोस्तों 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे दोस्तों आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। कि अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के कुल दोस्तों आपको 40,247 पदों पर आपकी नियुक्ति होने होना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, इसके बाद आपका अनुमान पदों की यहाँ पे कुल संख्या, इसके बाद 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की यहाँ पे संख्या दिया गया है। तो अगर हम अनारक्षित वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका अनुमानित पदों की संख्या यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 10,081 है। ठीक है, वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर देखें तो 44,018 है। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें तो 8,041, और वही दोस्तों अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 806, अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर दोस्तों बात करें तो 10,056 पदों पर यहाँ पे दोस्तों आपके अनुमान यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 7,245 दिया गया। ठीक है, अगर टोटल की बात करते हैं यहाँ आपका टोटल ऐड करके 40,247 होगा। यही अगर हम दोस्तों महिला की बात करें तो ये टोटल अगर दोस्तों यहाँ पे 14,093 पद यहाँ पे दोस्तों दिया गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हम आपका पोल और सर्वे के माध्यम से आपका ये कट ऑफ दोस्तों कट ऑफ का दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको एक पोल के माध्यम से आपसे पूछा था कि आपका जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा में आपका स्कोर दोस्तों आपका यहाँ पे कितना दोस्तों आपका स्कोर बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थियों ने आपका पोल किया कि बिलो 50% मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स दोस्तों नीचे वाले अभ्यर्थी जो है आपका 11% यहाँ पे अभ्यर्थियों ने पोल किया कि हमारा स्कोर 50% से नीचे दोस्तों बन रहा है। ठीक है, और वही अगर हम दोस्तों बात करें 50 से 60, दोस्तों 50 से 60 वाले अभ्यर्थी जो है वो आपके यहाँ पे 39% है। ठीक है, 39% अभ्यर्थियों ने स्कोर किया कि मेरा स्कोर जो आपका 51 से 60 के बीच में बनना है। वहीं अगर हम बात कर ले आपका कि 61 से 70 के बीच कितने अभ्यर्थियों का स्कोर बनना है तो वहाँ पे स्कोर आपका 22% अभ्यर्थियों। वहीं बात कर ले कि दोस्तों आपका 71 से 80 की बात करें तो आपका 15% है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बात कर ले कि आपका 81 से अधिक, ठीक है, जो आपका 81 से अधिक है, 81 से अधिक कितने अभ्यर्थियों का दोस्तों बन रहा है तो वहाँ पे आपका 13% है। 13% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर आपका मतलब 80 के अबव ही जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 19,000 अभ्यर्थियों ने पोल के माध्यम से आपको बताया है, 19,000 वोट से यहाँ पे आपको मिले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका कैटेगरी, यहाँ पे दोस्तों हो गया आपका कट ऑफ। अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो आपका 40% लाना है। अगर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो 36.5%। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार 34%। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम अगर बात कर ले अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और दिव्यांग के तो आपका 32% मार्क्स है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हेड टीचर ऑल कैटेगरी एक्सेप्टेड कट ऑफ मार्क्स। ठीक है दोस्तों, ये जो कट ऑफ है वो एक्सेप्टेड कट ऑफ है। दोस्तों इस कट ऑफ से आपका जब कट ऑफ आएगा तो इस कट ऑफ से 1 से 2 नंबर या 3 नंबर ऊपर या दोस्तों नीचे रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, इसी कट ऑफ के दोस्तों आगे पीछे रहेगा, ये दोस्तों हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कैटेगरी, और यहाँ दोस्तों आपका कट ऑफ हो गया मेल पर्सन का, और यहाँ पे दोस्तों आपका कट ऑफ हो गया आपका यहाँ पे फीमेल पर्सन का, दोस्तों यहाँ पे आपका कट ऑफ होगा। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें साथ ही साथ अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत, तो दोस्तों यहाँ पे 75 से आपका 80, ठीक है, 75 से 80 के करीब आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ दोस्तों चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों 51 से 70 के बीच में दोस्तों आपका 61% अभ्यर्थी यहाँ पे दोस्तों है। ठीक है, तो इसी को दोस्तों देखते हुए आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी दोस्तों कट ऑफ आपका 75 से 80 तक जा सकता है। ठीक है, वही दोस्तों अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो आपका हो जाएगा 65 से 70 फीमेल पर्सन के लिए, दोस्तों आपका 65 से 70 कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा आपका नहीं जाने वाला। ठीक है दोस्तों, वही बात कर ले आपका बीसी कैटेगरी की, तो आपका 70 से 72 तक जाएगा बीसी कैटेगरी कट ऑफ। ठीक है,
बीसी कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों आपका 70 से 72, 2 नंबर नीचे या 2 नंबर ऊपर आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा आपका बीसी कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों नहीं जाने वाला है आपके लिए दोस्तों यहाँ पे मेल पर्सन का, ठीक है। अगर फीमेल की दोस्तों बात करें तो आपका 60 से 65 के बीच आपका फीमेल कैटेगरी का दोस्तों कट ऑफ रहेगा, अगर आप बीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। वही साथ ही साथ हम दोस्तों बात कर ले आपका ईबीसी कैटेगरी, तो ईबीसी कैटेगरी अगर बात करें तो 68 से लेकर आपका 70 के बीच आपका दोस्तों यहाँ पे मेल पर्सन का दोस्तों आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ अगर अगर आप फीमेल पर्सन है तो आपका स्कोर अगर दोस्तों 58 यानी 58 से 60 तक दोस्तों आपका बन रहा है ईबीसी में, तो आपका दोस्तों यहाँ पे फीमेल पर्सन के लिए आपका सेफ है, ठीक है। आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों TRE 2.0 में फीमेल पर्सन के लिए दोस्तों आपका जो कैटेगरी था SC ST या कैटेगरी उनका दोस्तों पासिंग मार्क्स पे ही आपका दोस्तों सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो इस बार भी उम्मीद है कि अगर अवेलेबल सीट रहती है और सीटों के हिसाब अगर दोस्तों यहाँ पर बात कर ले कि आपको सीटों की संख्या और एक सीटों पर दोस्तों कितने बैठे की फाइटिंग थी, तो दोस्तों यहाँ पर सीटों की संख्या था लगभग आपका 40,000, लगभग नहीं दोस्तों 40,247 पद दोस्तों आपके थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर टोटल अभ्यर्थियों को अगर फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करें तो 1.20 लाख यहाँ पे दोस्तों अभ्यर्थियों ने आपका फॉर्म फिलिंग किया था, जिसमें से कुछ अभ्यर्थी दोस्तों तो एग्जाम को दोस्तों नहीं देने गए होंगे किसी कारणवश, ठीक है। तो इसी आपका 1,20,000 के दोस्तों अगर हिसाब से अगर बात करें तो 40 से 120 होती है, यानी कि 3 सीट पे एक को दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेक्शन मिलने वाला है, यानी कि 3 जब यहाँ पे कैंडिडेट फाइट करेंगे तो यहाँ पे एक कैंडिडेट को दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी के दोस्तों मद्दे रखते हुए आपका अगर सीट बचती है तो आपका दोस्तों कट ऑफ जो है आपका पासिंग मार्क्स पे ही दोस्तों आपका सिलेक्शन को ले लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे आप देखते हैं आपका EWS की कट ऑफ, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें हम EWS की, तो EWS कैटेगरी का कट ऑफ आपका 72 से 75, 2-4 नंबर इधर उधर जाने वाला, लेकिन इससे ज्यादा दोस्तों आपका नहीं जाएगा मेल पर्सन का। फीमेल पर्सन का दोस्तों कट ऑफ आपका 62 से 64 के बीच रहने वाला है। वही दोस्तों बात करें आपका SC कैटेगरी के अंतर्गत तो 65 से 70, ठीक है, ज्यादा गया था दोस्तों आपका 65 से 70 जाएगा, नहीं तो इससे तो नीचे ही रहने वाला है। अगर फीमेल पर्सन की बात करें दोस्तों आपका 55 से 60 तक जाने वाला है, ठीक है, 55 से 60, ठीक है। इनके पीछे का दोस्तों रीजन हम आपको बता दिए हैं, इनके दोस्तों पीछे का रीजन आपका ये है पोल, पोल के माध्यम से हम आपको इनके पीछे का रीजन बता दें दोस्तों। लगभग आपका यहाँ पे 20,000 अभ्यर्थियों ने वोट किया है, तो उसी के हिसाब से दोस्तों थोड़ा इधर उधर जा सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम आपका ST कैटेगरी, ठीक है। ST कैटेगरी अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लें ST कैटेगरी की, तो आपका इनका स्कोर दोस्तों 62 से 67, ठीक है, 62 से 67 तक जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें हम आपके यहाँ पे फीमेल की, तो आपका फीमेल पर्सन की कैटेगरी का यहाँ पे स्कोर आपका 52 से 55, ठीक है। हमेशा अगर दोस्तों बात करते हैं PWD, ठीक है, PWD की अगर हम बात कर लें तो 50 से 55, 50 से दोस्तों 55 पे आपका PWD और आपका फ्रीडम फाइटर, ठीक है, PWD फ्रीडम फाइटर 50 से 55 मेल पर्सन के लिए दोस्तों इनफ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फीमेल पर्सन के लिए दोस्तों 48 से आपका 50, यानी कि आपको पासिंग मार्क्स से उठा लिया जाएगा, ठीक है, पासिंग मार्क्स से दोस्तों आपका यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये था कुछ आज का दोस्तों आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ, ठीक है। दोस्तों ये था आपका जो एक्सेप्टेड कट ऑफ, उम्मीद है दोस्तों कि ये कट ऑफ इससे जो दो दोस्तों इससे ज्यादा बाहर नहीं जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।